नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। थाना पनवाड़ी क्षेत्र के ग्राम कोटरा निवासी मलखान पुत्र बाबूलाल यादव उम्र 40 वर्ष बीती रात्रि शाम को साइकिल से खाद के लिए बांधो सोसाइटी के लिए निकला था। जब देर रात्रि तक मलखान घर नहीं पहुंचा तो परिवार जनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन गांव में उसका कुछ पता नहीं चला। जब सुबह हुई तो उसकी खोजबीन के लिए राहगीर निकले तो खून से लथपथ उसका शव बांधो कोटरा मार्ग मसान बाबा आश्रम स्थित हैंडपंप के पास मिला। इसकी सूचना मृतक के परिवार जनों को दी गई। मौके पर परिवार जन पहुंचे, शव को देखकर वो सन्न रह गए। शव खून में लथपथ पड़ा हुआ मिला। पनवाड़ी कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी निरीक्षक शिव आसरे ने पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महोबा भेज दिया गया। वहीं मृतक भाई प्रहलाद सिंह ने थाने में 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। उल्लेख किया है कि मेरे भाई की हत्या हल्काई पुत्र चुंटाई जागपुरा थाना पनवाड़ी सेवाराम और फसिब्बा पुत्र चुदामी निवासी थाना पनवाड़ी राम प्रसाद पुत्र जुग्गा निवासी गर्रौली थाना पनवाड़ी के खिलाफ लाठी डंडे लोहे के खुंते से हत्या करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर धारा 302-201-34 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ टीम गठित कर छापामार कार्रवाई की है। साथ ही साथ इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।